राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर बाबा जी की कुछ चमत्कारी लीलाएं लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक व्यक्ति ने एक किस्सा सुनाते हुए बताया, मैं वर्ष 1966 में इलाहाबाद से सुल्तानपुर गया था एक ऑडिट कार्य के लिए। वहां दफ्तर वालों ने कुछ दूर जंगल में आसन जमाए एक मौनी साधु की बहुत तारीफ की। उन लोगों से प्रभावित होकर मैंने ये ठाना कि मैं भी उन मौनी साधु के दर्शन जरूर करूंगा। इसलिए एक दिन समय निकालकर मैं जंगल गया और मैंने भी मौनी साधु के दर्शन किए। वहां उनका रहन सहन और आचरण देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और जब मैं इलाहाबाद लौटा और बाबा जी से मिला तो मैं उन्हें मौनी बाबा के बारे में बताने लगा। मैंने कहा, महाराज वे एक निर्जल जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे बिना छप्पर छा के आज पूरे 6 साल से रह रहे हैं। जाड़ा हो, गर्मी हो या फिर बरसात, वे इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और बड़े बड़े समृद्ध और धनी व्यक्ति उनके दर्शनों के लिए आते हैं, पर वे कभी भी किसी से भी कुछ भी दान दक्षिणा नहीं लेते। साल में केवल एक धोती से गुजारा करते हैं और उसी धोती को फटने पर बार बार सिल सिल कर पहनते हैं। केवल एक बार प्रसाद पाते हैं दिन भर में और यह धोती और प्रसाद भी केवल अपने घर वालों द्वारा लाया हुआ ही ग्रहण करते हैं। महाराज जी बड़े नाटकीय ढंग से नीचे झुके और मेरी बातें सुनने लगे और कभी कभी आंखें बनाकर आश्चर्यचकित भावना से कहने लगे, अच्छा अच्छा, इस तरीके से वो मेरी बातों का उत्तर दे रहे थे। तभी उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या वो धोती और भोजन केवल अपने ही घर का ग्रहण करता है? मैंने कहा, हाँ महाराज। सुनकर तत्काल सीधे होकर बैठ गए और कंबल संभालते हुए बोले, तब वो कहाँ से साधु हो गया फिर? अभी तो वो अपने घर का ही सब कुछ पाता है। सारे विश्व को अपना समझे बिना कोई भी साधु नहीं हो सकता। ये सब सुनकर मुझे सतत्व के प्रति एक सच्चा दृष्टिकोण प्राप्त हो गया। मैंने सोचने पर पाया कि केवल महाराज जी की ही यह सामर्थ्य है कि वे किसी का भी कैसा ही अर्पण स्वीकार कर उसे अपने योग बल से भस्म कर लें और उनकी इस स्वीकृति में जाति, वर्ण और धर्म अथवा देश काल के प्रति कोई भेदभाव न था। तो दोस्तों, जब भी किसी भक्त के मन में संशय होता था या उसे कोई प्रश्न परेशान करता था या उसका दृष्टिकोण बिगड़ जाता था तो बाबा जी हमेशा उसे मार्गदर्शन करते थे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।